ओके, तो जीवन मिल चुका है एंड मैं अभी पार्ट 5 पे रिएक्ट करने वाली हूँ। तो आई गेस यहाँ पे पता चल जाए कि वो एग्जैक्टली है कौन एंड एवरीथिंग, राइट? तो ओ माय गॉड, आई एम एक्साइटेड, सो लेट्स सी। तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द गोट मूवी का सीन 5 ऑफ थलपति विजय। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, मैं नाम मोनाली नायक, वेलकम टू माई चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। पापा इतनी देर से घर मत आया करो। बेटी बेटी नहीं, बेटा। पापा मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जीवन पेट में था तब कसम खाई थी नहीं पीऊंगा, अब इस बेटे की भी कसम खा रहे हो। सुपर 5 पा, सुपर 6 पा। ये मेरा बाप का चेला। हे गांधी, फोन नहीं सुनाई देता? हाँ, खबर आई कि एम्बेसी पर अटैक हुआ है। जानता है तुझे मैंने कितना कॉल किया, तूने फोन ही नहीं उठाया, इसलिए मैं खुद ही देखने आ गया। हे गांधी, आर यू ओके? क्या हुआ? एम्बेसी में अटैक करने वाली गैंग में मेरी शक्ल का एक लड़का था, मैंने खुद देखा। तू क्या कह रहा है? मेरा बेटा जीवन, अगर वो जिंदा होता। हे गांधी, जीवन अब नहीं है। आई नो, बट इतने पास से देखा भाई, एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन जैसे वो देख रहा था, उसकी आंखें। हे, आई बिलीव यू भाई। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ तो गलत हुआ। देख भाई, तुझे डाउट हो रहा है ना, कल मैं उस गैंग को ढूंढता हूं और उस लड़के को भी, देन वी विल गेट ऑल द आंसर्स। तब तक तू सोच सोच कर अपना दिमाग खराब मत कर, ओके? सर, ड्रॉप इन। अब आगे चलिए। ओके सर। वो इसको पीछे क्यों ला रहा है, यहां तक मिल क्यों नहीं रहा है डायरेक्टली? जीवन, जीवन बोलने के बाद वो रुक गया। आप मेरे पापा हो ना? जीवन बेटा, मुझे लगा कि तू मर गया। सॉरी बेटा। बेटा, जिस दिन से तू खोया है ना,
जब से मैंने हजारों लाखों बार सोचा कि मैं उस दिन तुझे कैसे बचा सकता था, लेकिन मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तू आज भी जिंदा होगा। हाँ ना, ऐसे दिमाग में नहीं आया यार। जीवन, बेटा, तू यहाँ कैसे? कहाँ कहाँ था, अब यहाँ। बेटा, तू हमारे पास वापस क्यों नहीं आया? हमारे पास आ जाता बेटा। मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं है पापा, मैं कहीं और। कल जब आपको एम्बेसी में देखा तो जैसे कुछ याद आ गया। मेरे सपनों सा था ये चेहरा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता मेरे पापा मेरे सामने। अब तुझे छोड़कर पापा कहीं नहीं जाने वाला। नहीं पापा, यू आर इन डेंजर, इसलिए मैं आपको अकेले में बात करने के लिए यहां लाया। अच्छा। इससे पहले फैजल गैंग आप पर कोई हमला कर बैठे, मैं चाहता हूं आप घर वापस चले जाओ। हाँ फिर ठीक है, तो अभी निकलते हैं, चल। नहीं पापा, तुम सही सलामत घर पहुंचो, सेफ एंड साउंड। मुझे यहां से निकालना नामुमकिन है। हे, इतने सालों बाद तू मुझे मिला है, मैं तुझे छोड़कर ऐसे ही चला जाऊंगा? पाप, फैजल गैंग के बारे में तुम नहीं जानते, वो बहुत डेंजरस है पा। तेरा बाप क्या चीज है तू नहीं जानता। तेरे बगैर मैं इस देश से तो इस जगह से भी नहीं हिलने वाला। यू ओके? गो 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 पापा, चलो 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 चलो। माय गॉड, Hey, they're getting away. Behind, I'll let them know. Catch them, I'm coming. Oh my god, all right, fight scene. Come, come. बोल। हे, पता लगा लिया? क्या है? एम्बेसी अटैक फैसल नाम के गैंग ने किया। मैंने उसका पता लगाया है। वहां गए तो वो लड़का भी मिलेगा। अबे लड़का तो आधे घंटे पहले ही मिल गया है। अब मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। हाँ बोल। ए सुनील, मैं पहुंच गया हूँ, तू कहाँ है? मिस्टर गांधी, अपने राइट में देखो, व्हाइट कलर की गाड़ी।
सुन दोस्त, इंडिया चलें क्या? इंडिया आ गया बेटे को लेके। ओह माय गॉड। हाँ। अभी ये चिंदे कंगल। ओह माय गॉड। जीवन ओ माय गॉड, आई एम रिएक्टिंग ऑन दिस सॉन्ग, बट मुझे पता नहीं था कुछ इस तरीके की चीजें हुई है। ओके, तो ये जीवन ही है। ओ माय गॉड, एंड वो किसी गैंग का हिस्सा है, फैजल गैंग, एंड वो उल्टा अपने पापा को बोल रहा है कि गो अवे, ये लोग डेंजरस है। मतलब अभी तो मिल गया, अभी तो फाइनली वो घर पे भी आ चुका है। वो जब नहीं, वो गाड़ी वाली चीज हो रही थी, मेरे को कहीं ना कहीं अंदाज आ गया था ये तो सीन वो है जो हमने ट्रेलर में देखा था। तो या इट वाज इट, बट पता, जब वो डी एजिंग वाली चीज जो यूज की है ना, उससे अच्छा थलोपति विजय नॉर्मली बहुत अच्छे दिखते हैं, ऐसे मुझे फील हुआ, आपको भी शायद फील हुआ होगा। नॉर्मली लुक सो ब्यूटिफुल, आई मीन हैंडसम, क्यूट, यस, एंड वो एकदम वो डी एजिंग वाली चीज यूज किए। ओके एनीवेज, तो वो अभी घर आ चुके, तो इनके फैमिली के बीच में चीजें सॉर्ट हो जाएगी। चिन्ह चिन्ह कंगल, आई नो ये सॉन्ग है ना बाद में, हाँ, बट अभी फिर बाद में क्या होगा, बेटा भी मिल गया एंड सारी चीजें हो रही है, तो माइट बी फैजल गैंग इन लोगों के पीछे पड़ेगा, शायद ये चीजें हो सकती है नेक्स्ट इसमें, बिकॉज दे ऐसे वो लोग डेंजरस ही लग रहे थे। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। आप अगर नेक्स्ट सीन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ की हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते तो कमेंट में बताओ, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। बाकी परत मियाले, बाय।